कौन हो तुम और तुमने हमें झुककर सलाम क्यों नहीं किया? हुजूर, वो बात यह है कि ये झुक नहीं सकते। क्यों? दरअसल इनकी रीढ़ की हड्डी ही कुछ ऐसी है। बहुत बड़े बड़े हकीमों को दिखाया पर कमबख्त टूटने को तैयार है पर झुकने को नहीं। तो रीढ़ की हड्डी की बीमारी है तो फौज में क्या कर रहे हो? हम फौज में झुकने के लिए नहीं आए, दुश्मनों को झुकाने के लिए आए हैं। देखा आपने, इसी जज्बे की वजह से ये नासिर साहब के अजीज दोस्त हैं। बहुत अजीज, इतने अजीज के नासिर को देखते ही दिल करता है कि ऐसे गले मिले कि जान ही निकाल दे। नासिर साहब के खास बुलावे पर जंग लड़ने के लिए आए। वल्ला, इतनी सी उम्र में ये बहादुरी! तुम्हारा नाम क्या है बहादुर? बुला लो अपने साथी को। याकूद तो नासिर साहब के अजीज हाथी का नाम है। हाँ, और उनके अजीज साथी का भी यही नाम है, याकूद। जिस तरह से वो नासिर के करीब रहता है बिल्कुल उसी तरह मैं भी उनके करीब आना चाहता हूँ। वाह, तलवार के भी अमीर हो और बातों के भी। जो कुछ भी सीखा है बुजुर्गों से ही सीखा है। यहाँ कैसे आना हुआ? बालाजी ने जंग से पहले ही हमारी तोपों को बर्बाद करने की साजिश की है, इसलिए नासिर साहब ने हुक्म दिया है कि बारूद को किसी महफूज जगह पहुंचा दिया जाए। बारूद? हमें ऐसा तो कोई पैगाम नहीं मिला। पैगाम का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं जानते वो बालाजी कितना खौफनाक आदमी है। जिन है जिन, उसने अकेले भैरवगढ़ जीता था। उसी ने अजिंक्य तारा पर हमारा हमला नाकाम किया था। वो बहादुरी और दलेरी में हमारा बाप है, बाप। इसलिए जल्द से जल्द हमें यहां से बारूद हटाना होगा। और अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो हम चले जाते हैं, पर फिर जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप होंगे। आई, तू ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारा गांव नहीं है। यदि बहू थोड़ी देर लौटे नहीं तो तू उन्हें अकेले ढूंढने निकल जाएगी। चिमना, यदि तू गई और तुझे कुछ हो गया तो? अगर मैं नहीं गई और तेरे भाव को कुछ हो गया तो? आशी को मेरी आवश्यकता है चिमना। उसके साथ श्रीधर नाम का एक मुगल गुप्तचर है जो हमारे गांव के बालू जैसा नहीं है। ये बाजी ऐसे उसे मूर्ख बनाकर वापस लौटा है जो देश से विश्वासघात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कर ला, मुझे जाना होगा जिमना। मुझे वाजी की बहुत चिंता हो रही है। तुझे मात्र भाव की चिंता है, हमारी नहीं, भीयू की भी नहीं। बाबा बीमार है, वो कमजोर है और अब तू भी हमें छोड़कर जा रही है। हमारा ध्यान कौन रखेगा, कौन करेगा हमारी रक्षा? ठहरो, तुम लोग गाड़ियों में बारूद भरना शुरू करो। तब तक हमारा एक सिपाही नासिर साहब से इस हुक्म की तस्दीक करके लौट आएगा, और जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक बारूद अपनी जगह से हिल नहीं सकता। नासिर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? चुप रहो, हम मुगलों को क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं वो हम तय करेंगे। तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं,
तुम अपने लोगों के गद्दार हो और गद्दार गुलाम बन सकता है, साथ ही नहीं। तुम लोग जाकर गाड़ी में बारूद भरो, इनकी मदद करो। नासिर के यहां आने से पहले मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। माँ भवानी, आज तूने मुझे बड़ी कड़ी परीक्षा में डाला है। वहां बाजी को मेरी आवश्यकता है और यहाँ इन दोनों को भी। मैं एक साथ दो स्थानों पर तो नहीं हो सकती ना माँ, पर तू तो हर जगह विद्यमान है, इसलिए मेरे इन दो बच्चों को तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ। एक माँ दूसरी माँ पर विश्वास कर रही है, उस विश्वास की लाज रखना माँ। जब तक मेरा बाजी अपनी माँ के दूध का और इस मातृभूमि का रंग नहीं उतार देता, उसकी रक्षा करने में मेरी सहायता करना माँ। जनाब कमरुद्दीन खान साहेब अपने शहजादे नासिर साहेब के साथ बारूद के गोदाम का मुआयना करने आ रहे हैं। नासिर ने मुझे यहां देखा तो देखते ही मार डालेगा। बारूद पर खतरा है, इसलिए अपनी निगरानी में बारूद को यहाँ से हटवाने के लिए कमरुद्दीन खान साहेब खुद यहाँ आए हैं। चलो चलो चलो, ए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खान साहब के काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बाजी अब कैसे निकलेंगे यहाँ से, और वो भी बारूद लेकर? क्या सोचा है बाजी, क्या करेंगे आप? जब हनुमान जी लंका से सीता माता को उठाने में कामयाब नहीं हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? ये आत्महत्या है बाजी। आत्महत्या नहीं, बलिदान। और युद्ध बलिदान मांगता है।
चल मैं ला रही हूँ। चल मुझे बाजी के पास लेके जा। सरकार जीवन के व्यापार में आधी पूंजी मंजे अपने प्राण दांव पर लगाने जा रही है इस सांझेदार से बिना पूछे। आप हमसे हमारी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं पर आई चीज बिना पूछे दांव पर कैसे लगाए था राजन? पर आई चीज मंजे हमारी जान पर किसी और का अधिकार है हाँ बोलने से पहले उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम आपको इस तरह मुगल छावनी में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। आपको रुकना होगा। आज आपकी पत्नी रुक सकती है एक मां नहीं। मत रोकिए मुझे। बाजी की जितनी चिंता उसकी माँ को है उतनी ही चिंता उसके पिता को भी है। जानती हूँ पर अभी आप सिर्फ उसके पिता नहीं है यहाँ के सर सुबेदार है इस युद्ध के नायक है। मैं तो मात्र एक माँ हूँ। आपके ऊपर यहाँ के हर सैनिक की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है मगर मुझ पर सिर्फ मेरे बेटे की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है। और यदि एक माँ एक सर सुबेदार के कर्तव्य के बीच में नहीं आ रही तो एक सर सुबेदार को भी एक माँ के कर्तव्य के बीच नहीं आना चाहिए। जाने दीजिए मुझे। तुम इतने आराम से झुक कैसे गए? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में तो तकलीफ है ना? बोलो। मैंने कहा बोलो। जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा बोलो। मराठी झुकता है तो दुश्मन को तोड़ने के लिए। मशाल कहीं जाए और आग ना लगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बाजी ने मुगलों के बारूद को नष्ट कर दिया। आहो इस धमाके के बाद तो वो बाजी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसके पास जाना ही होगा। हम आपको जाने नहीं देंगे सरकार। यदि आपको कुछ हो गया तो चिमना नहीं बिहू उनका क्या होगा?
भाई, तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे भी। बाबा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपके बार बार कहने पर भी मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। पर मैंने आपके आदेश की अवज्ञा मातृभूमि की रक्षा के लिए की। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं था बाजी। सेना अनुशासन की डोर से बंधी होती है। यदि तुम्हारी तरह हर सैनिक अपनी मर्जी से मातृभूमि की रक्षा के मार्ग खोजने लगा तो इस सेना को बिखरते देर नहीं लगेगी। यदि तुमने मुगलों के बारूद को नष्ट करने उसे चुराने की योजना बनाई थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम इस कार्य के लिए तुमसे अधिक कुशल, तुमसे अधिक अनुभवी योद्धाओं को भेजते। तुम मुगल खेमे से अपने कौशल के कारण नहीं, अपने भाग्य के कारण बचकर लौटे हो। मैं अनुशासन और आदेश दोनों का महत्व जानता हूँ, पर मातृभूमि के आह्वान के आगे अनुशासन भी छोटा पड़ गया और आदेश भी। मुझे युद्ध जीतने का मात्र एक ही मार्ग समझ आया। यदि रावण को परास्त करना है तो युद्ध से पहले रावण के लंका में आग लगा दी जाए। और मैंने आग लगा दी। हो, आज जो तुमने किया है उससे हमें लाभ होगा, पर तुम्हारी अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति कल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। पाजी, भय, कायरता, अनुशासनहीनता, ये तीनों जंगल की आग की तरह फैलते हैं। इस सेना का एक सेनापति है। यदि तुम्हारी तरह प्रत्येक सैनिक सेनापति बनकर स्वतंत्र निर्णय लेने लगा तो नहीं बाजे, इसकी अनुमति हम तुम्हें नहीं देंगे। तुमने अनुशासन तोड़ा है आणि अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं। आज से मात्र तुम बाजी हो, ना तो इस सेना का भाग हो और ना ही मातृभूमि के रक्षक। हमारा बारूद तो उड़ा दिया, मगर भूल गए कि आग से आग नहीं बुझती। हमारे सीने में लगी हुई इंतकाम की आग और भड़क पड़ी है। मराठी अपने मुल्क के लिए मरना जानते हैं, मगर हम नहीं जानते। हम सिर्फ मारना जानते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने हमारा बारूद खत्म करके शेर के पंजे काट दिए हैं। अरे बकरियों के लिए तो शेर की दहाड़ ही काफी है, पंजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कल हर मराठी को मौत के घाट उतार के उनकी ये गलत फहमी दूर करेंगे। तैयारी की जाए। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर।
भूकंप? ये भूकंप नहीं है, युद्ध की आहट है। सेना अपना व्यू रच रही है। क्या कि तुम मुगल अपने गोला बारूद के बिना हमें हराने के लिए करेंगे क्या? बारूद समाप्त होने के पश्चात भी ये अंतर नष्ट नहीं हो जाता कि वो 4,000 है और हम 40। वो युद्ध कला में निपुण सेना के साथ आक्रमण कर रहे हैं जो बिना बारूद के भी हम सबको समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। कुछ करने की तैयारी कीजिए।